पुलिस के इस मार्च को अपराधी जरा गौर से देखें, पुलिस की इस कदमताल को महसूस करें। ये मार्च अपराधियों में भय पैदा करने वाला है। पुलिस ये बताना चाह रही है कि अपराधी सावधान रहें, वो रात के सिहा अंधेरे में गुस्ताखी ना दिखाएं, क्योंकि हरदोई पुलिस जग रही है, जनता को बिना भय सोने के लिए कह रही है। दरअसल हरदोई जिले में ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू किया गया, जिसके तहत 18 चेक पोस्ट प्वाइंट बनाए गए हैं। हर एक पोस्ट पर एक दरोगा और 4 सिपाहियों की ड्यूटी रहेगी। हर आने और जाने वाले वाहनों की तलाशी ली जाएगी। इसके अलावा जिले के अंदर की सड़कों पर 29 चेक पोस्ट बनाए जाएंगे, जिन पर पुलिस पिकेट की तैनाती रहेगी। इससे भागने वाले और जिले में घुसने वाले अपराधी बच नहीं पाएंगे। पुलिस का मानना है कि इससे जिले के अंदर अपराध में कमी आएगी। ये पाया गया है अभी हाल की कुछ घटनाओं में कि न सिर्फ जनपद की घटनाएं बाहरी लोगों ने की है, बल्कि बाहर की घटनाओं में भी लोगों का फिर भाग के यहाँ आया जाना पाया गया। इसको देखते हुए ये निर्धारित किया गया कि जनपद को और शहर को चारों ओर से प्रोटेक्ट करना और चेकिंग करना आवश्यक है। इसके लिए ये ऑपरेशन चक्रव्यूह बनाया गया है, जिसमें कि जनपद में अन्य जनपदों से आने वाले रास्तों पर 18 हमने चेक पॉइंट बनाए, जिसमें हम परमानेंट बैरियर बनाएंगे और उसमें एक दरोगा 4 सिपाही रहेंगे, जो कि जो भी आने वाले लोग हैं, संदिग्ध हैं, उनकी चेकिंग करेंगे, उनकी गाड़ियों की तलाशी लेंगे और इसी प्रकार जाने वालों की भी करेंगे कि अगर कोई घटना करके कहीं जा रहा है तो उसको पकड़ा जा सके। साथ ही साथ हमने जनपद के अंदर भी जो महत्वपूर्ण रास्ते हैं उन पर 29 चेक पोस्ट और बनाए हैं, जिसपे पिकेट लगा करके निगरानी रखी जाएगी। हरदोई जिले में अब अपराधियों की खैर नहीं है। अगर वो एक बार जिले में एंट्री मार लेते हैं तो फिर जिले से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल होगा। वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए अपराध को अंजाम देने से पहले वो एक बार पुलिस के इस मार्च को गौर से देखें और वक्त रहते संभल जाएं तो बेहतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।